दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्या हूँ एक और नए शूज़ की वीडियो। तो जैसे कि मैं आप एक अनबॉक्स कर रहा हूँ, मैंने पांच शूज़ मंगाए थे, तो ये दो शूज़ मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये हमारे पास एक एशियन ब्रांड का था और ये हमारे पास दूसरा था एमिको ब्रांड का स्पोर्ट शूज़ था। तो अब बचे तो तीन शूज़, तो चलिए इनमें से करते हैं कोई एक शू अनबॉक्स और दिखाता हूँ आपको कि कैसे हैं ये शूज़। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे इनमें से बीच वाला अनबॉक्स करेंगे। तो बीच वाला साइड कर देते हैं पहले और बाकी साइड रख देते हैं। तो चलिए करते हैं बीच वाले शूज़ को अनबॉक्स। तो दोस्तों ये शूज़ में हमारा जो इसका ब्रांड नेम है वो है एएसएन ब्रांड का शूज़ हैं और इसका जो स्टाइल नेम है वेलफेयर एंड ब्लू एंड ग्रे कलर के शूज़ होने वाले हैं हमारे पास ही। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि शूज़ कैसे हैं। तो ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं एक्चुअली में। तो चलिए फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों बॉक्स उस समय एयरसन ब्रांड का मिलता है। देखिए प्रॉपर कितना अच्छा ब्रांड है ये। बॉक्स भी इनका काफ़ी अच्छा है और इन साइड में देखिए एमआरपी साइज इशू वो सब चीज़ें मेंशन कर रखी है। कस्टमर केयर नंबर नहीं है बस, बाकी सब कुछ इसमें मेंशन है। और दोस्तों हमारे बैगेज के बगल पीरागढ़ी से ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी आते हैं पेपर में रैप होके। वाओ आजकल छोटे छोटे ब्रांड ही बड़े ब्रांड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके के शूज़ होने वाले हैं। देखिए आप लोग ये है ब्लू एंड ग्रे, जैसे कि दिखाया गया डार्क ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। जो दोस्तों फोटो में है उससे थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे, बट कोई नहीं चलता है इतना। और दोस्तों मेरी वीडियो में अगर कट ड्रॉप नहीं होता तो आपको अगर वीडियो में कुछ और देख रहे हैं कंटेंट तो आप स्किप हल्का कर सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो वीडियो में। मैं कट ड्रॉप से नहीं ताकि वीडियो में आपको जनरल फैशन जो शूज़ दिखाते हैं हमें वही एनएफएल में दिखे आपको। तो अब दोस्तों बात करते हैं शूज़ की। तो ओवरऑल जो इसका सोल है वो सोल दोस्तों काफ़ी मतलब लाइट का 500 के अंदर का शूज़ है। मतलब सोल जो है काफ़ी वैसा बना रखा है, मतलब कि ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है। देखिए साइड में यहाँ पे आपको देखिए ये ऐसे डॉटेड मिल जाएंगे साइड में। और जो यहाँ पे है ये पैटर्न इसका वो काफ़ी अच्छा बना है। ये जो फ्रंट का है जो मैश पैटर्न ये काफ़ी अच्छा है। साइड के जो ये बना रखा है ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और बात करें दोस्तों पीछे यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहनने के लिए, अच्छी बात है। और ये साइज़ दोस्तों 9 नंबर है, बट मुझे 9 नंबर लगेगा क्योंकि मेरे को जहाँ तक शूज़ बड़े ही आते हैं। और बात करें इसके अंदर ही कंफर्ट की, तो कंफर्ट में दोस्तों आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा मिलने वाला है एक फॉर्म जो कि आप हाथ से इसको शायद ये देखिए हाथ से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई भी चिपका नहीं है। तो ये थोड़ा बेकार लगेगा अगर आप शूज़ वगैरह निकालते हैं कोई बहुत दूर से पहन के आने के बाद। तो क्या होता है कि उस टाइम पर ना जब शूज़ निकालेंगे तो आपकी जुराफ से भी निकल जाए तो बहुत बेकार लगता है, बैठने के फिर होता है फिर उसको हम डालो यहीं पर तो बहुत बेकार लगता है वो चीज़। तो ओवरऑल दोस्तों शूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, बट दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत थी। और यहाँ पे भी साइड देखिए कुछ देखिए आपके मार्क्स दिख रहे होंगे यहाँ पे 1-2। तो दोस्तों ये थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है, मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं है इसकी भी। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है। बात करें सोल की तो यहाँ पे सोल दोस्तों एक्चुअल में इसका काफ़ी बढ़िया है, लगा नहीं था कि इस रेंज में इसका आपको इस तरह का सोल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डबल सोल का काम करा गया है, एक है वाइट और एक है ये ब्लैक। ये देखिए ब्लैक इसमें ऊपर से इंसर्ट करा गया है। तो दोस्तों इसका जो लुक आ रहा है ना ये पीछे का वो ये बहुत ही शानदार है। मैंने यही देख के शूज़ परचेस किए थे और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए प्रॉपर 9 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं शूज़ के वेट की। काफ़ी लोग कर रहे होते हैं कि वेट कितना होगा शूज़ का, छोटा फट से इनका वेट मशीन निकालते हैं अपनी। तो वेट मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट पैर का वेट करेंगे और 376 ग्राम का दोस्तों है ये शूज़। तो जो शूज़ का वेट है लेफ्ट का वो 376 ग्राम है और राइट का देखते हैं, राइट का 395 है एक्चुअली, क्योंकि इनमें से इस अंदर से पेपर निकाला नहीं है। तो पहले पेपर निकाल दो हाँ देखते हैं। हाँ तो इसमें अप्रॉक्स 20 ग्राम एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को इसमें 387 ग्राम। तो कोई बात नहीं इतना चलता है छोटी कंपनियों के शूज़ में, मतलब छोटी में नहीं एक इमर्जिंग कंपनी बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग की। इनके पेपर में रैप हो गया, इनके नाम का पेपर था, इनके नाम का बॉक्स था, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब दोस्तों बात करते हैं शूज़ की। तो ओवरऑल इनकी प्रोफाइल देखिए एक बार आप हर तरफ से, यहाँ पर आपको SXA मिल जाएगा, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। साइड में आपको एयरसन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, दोनों साइड मिलेगी, एक साइड भी इस साइड भी है। और यहाँ पे भी SXA लिखा हुआ है, मुझे बताया इसका मतलब क्या है, SX2 या SX1 क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर इनके ब्रांड नेम मिल जाएगा एयरसन का, यहाँ अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा जिससे आप पता करें। आपको यहाँ पीछे लिखा होगा 9 नंबर, कि 9 नंबर का जूता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9 नंबर।
तो दोस्तों आप बाकी सूची वीडियो कल आएगी, तो इसको देखने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों और नए नए कंटेंट के लिए हमें फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे। बाय।